कुड़मी जो समुदाय का आदिवासी सूची में जो शामिल होने की जो कयावाच चल रही है उसको लेके आदिवासी समाज जो है वो आक्रोशित है। खेल में अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार उनका साथ देती है, आदिवासी समाज इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। कुड़मी समाज को आदिवासी बनाने के खिलाफ झारखंड के विभिन्न आदिवासी संगठनों के पदाधिकारी एवं प्रतिनिधियों के द्वारा महत्वपूर्ण बैठक रखी गई। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि आदिवासी बचाओ महारैली का आयोजन किया जाएगा। वहीं मौके पर पूर्व शिक्षा मंत्री गीताश्री उराव भी पहुंची। सुनिए क्या कहा उन्होंने। देखिए, आज हमारे समस्त आदिवासी समाज के संगठन जितने भी हैं विभिन्न दिशा से आज यहाँ पर हम लोग एकत्र हुए और सभी जो आदिवासी समुदाय हैं यहाँ पर लोग आए हैं और जो अभी आप लोग देख रहे हैं कि ना सिर्फ राज्य में बल्कि हमारे पड़ोसी राज्य में भी जिस तरह से कुड़मी जो समुदाय का आदिवासी सूची में जो शामिल होने की जो कयावाच चल रही है उसको लेके आदिवासी समाज जो है वो आक्रोशित है। और क्योंकि इसके मूल कारण ये है कि हमेशा से ही जो इनका भेदभाव रवैया को झेलते आए, अन्याय अत्याचार को भी झेलते आए, तो आज लोगों को ये पच नहीं रहा है कि कल तक जो हमारे साथ भेदभाव करते थे, हे दृष्टि से देखते थे, वो आज आदिवासी समुदाय हमारे जैसे उसमें कैसे चले आ रहे हैं। ये सब राजनीति से प्रेरित है। और क्योंकि झारखंड राज्य को पांचवी अनुसूची का राज्य का दर्जा मिला है, तब से ये बात जब स्थापित हुई है कि एक आदिवासी समाज के ही कोई व्यक्ति यहाँ पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ सकते हैं, तब से इन लोगों का ये कयावाच चला है। नहीं तो 1913 का जो गेजेटर का कॉपी दिखाते हैं, सर्टिफाइड कॉपी दिखा रहे हैं कि कभी वो लिस्ट में थे तो किन्होंने षड्यंत्र किया इनके खिलाफ कि ये बाहर चले गए। इन्होंने खुद ही अपने खिलाफ में षड्यंत्र किया। इन्होंने खुद ही जो है अंग्रेजी हुकूमत को लिखित रूप से ये सूचना दी है कि हम आदिवासी समाज से संबंधित नहीं हैं, इसलिए हमें सूची से हटाया जाए। और इसीलिए 1931 में जो बिहार और उड़ीसा का जो सेंसस रिपोर्ट आता है उसमें दोनों चार्ट में कुर्मी जो है कहीं भी लिस्ट में नहीं पाए गए। आज़ादी के बाद जब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग का जब सूची का निर्माण हो रहा था उस समय इनको अत्यंत पिछड़े वर्ग में डाला गया, ये उस समय चुपचाप रहे। और इन्होंने जो है अभी जब पेशा कानून का भी प्रारूप जब तैयार हुआ तो उस वक्त जब 1986 में दो माननीय सांसद जो ये शैलेंद्र महतो जी और साथ ही साथ जो है राम टहल चौधरी जी, उन लोगों ने जो पेशा का कानून का इसलिए विरोध किया कि इसके तहत अनुसूचित क्षेत्रों में जो आदिवासियों को प्रमुखता मिलेगी व्यवस्था में, मगर झारखंड बनते के साथ इन्होंने पलटी मारी और इसने इन्होंने देखा कि हम लोग पिछड़ जाएंगे हर तरीके से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, तो इन लोगों ने ये अपना एक नया जो है खेल खेलना शुरू किया है। अपने आप को ये हर दावा पेश कर रहे हैं, मगर आदिवासी समाज ये बात को अच्छी तरह समझ रहा है कि इनका जो दावा है वो हर तरीके से गलत है और नाजायज है। और इसीलिए कोई कार्यक्रम आपने बिल्कुल निश्चित रूप से हम लोग लगातार इनका विरोध कर रहे हैं हर ओर, जो है कोल्हान में हो, संथाल में हो, उत्तरी छोटा नागपुर में हो, दक्षिण छोटा नागपुर में हो, इसका विरोध हो रहा है। और फिर हम लोग अभी हमने 29 तारीख को तो पुतला दहन किया ही, जो केंद्र मंत्री हैं अर्जुन मुंडा जी यहाँ पर झारखंड में जो हैं आलमगीर आलम जी, और जो सांसद हैं पश्चिम बंगाल से अधीर रंजन चौधरी जी और शैलेंद्र महतो जी, सूर्य सिंह बेसरा जी, इन सब का हमने पुतला दहन किया है। और आज की इस बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि लगातार इनका विरोध हम लोग जारी रखेंगे और साथ ही साथ जो एक बड़ी रैली का भी जो है हम लोगों ने इसका ऐलान किया है,
जो 26 फरवरी को होगा रांची में, और हम सरकार को, चाहे वो राज्य सरकार हो किसी भी पश्चिम बंगाल की, झारखंड की या उड़ीसा की, हम जताना चाहते हैं और चेतावनी देना चाहते हैं कि जिस राजनीति के तहत ये सारा कुछ खेल में, अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार उनका साथ देती है, आदिवासी समाज इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और इसका राजनीतिक जो है हानि उठाने के लिए भी वो लोग तैयार रहेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।